अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतर कर ये कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझधार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझधार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाछानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से। उसके साथ जुड़े हुए हैं इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शहनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने की लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज, बड़ा बच्चा आदमी है यार। रिकॉर्ड है यार, गले लग जा। वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है, बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर मैं ये 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू।